जहाँ अगर शादाब से दो मिस हुए हैं कैच, वहाँ अगर आप उसकी पुरानी परफॉर्मेंस देखें, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा भी पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है, तो प्लीज़ यार शादाब को कुछ ना कहे, कुछ नहीं ना पूछे मुझे ना मैं जा रहा हूँ पीछे जाओ पीछे नहीं क्या हुआ क्या आपको नहीं बात छोड़ ना पीछे आ जाओ हमारा दिल बिफड़े सब कुछ रो रहा है पीछे आ जाओ नहीं बहुत बुरे जज्बात है पहले तो कैप्टन को कहते हैं अपनी गेम खेलना चाहिए था जब उसने ही नहीं खेला तो आगे और उन्होंने क्या खेलना था मेन चीज नजर आई ना हमारी फील्डिंग आप अगर पूरा मैच देखो उनका एक भी कैच ड्रॉप नहीं था मिस फील्ड नहीं थी आज अगर हम हारे हैं शायद मिस फील्ड की वजह से बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के डाउन बैटिंग की है और फील्डिंग भी इन्होंने लास्ट ओवर्स में श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर रन्स बनाने के लिए इन्होंने बॉलिंग करवाई है नहीं अच्छा खेला है टीम एंड तक जो है फाइनल तक आई है टीम ने अच्छा रिस्पॉन्स की है पाकिस्तान हारने की दुख में कल छुट्टी तो नहीं करेंगे स्कूल से इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे भाई क्या हाल है बुरे ही हाल है की सिर बनने है की होया सिर बना था ना साडा क्यों वो कहंदे ने कि तुसी सिर बन लो सिर पीड़ लाती है सी तुहानू जी पाकिस्तान मैच आ रहा है क्या चीज बात है आपके देखिए दुख तो होता है जरी सी बात है एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जीतेंगे लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं हार जीत होती रहती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए जितना खुशी से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं उतनी खुशी से हार को भी करना चाहिए अगले भी खेलने आए हुए हैं तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको नहीं लगता कि जो दो कैचेज जो ड्रॉप हुए हैं वो मैच उसी वजह से हमारी गलती की वजह से आ रहे हैं हम देखिए हम किसी एक को नहीं कह सकते कि किसी एक की फॉल्ट थी हो जाता है समटाइम्स सारे खेलने आए हुए हैं और समटाइम्स प्रेशर होता है अगलों पे प्लेयर्स पे तो हो जाता है ऐसे कोई बात नहीं जहाँ अगर शादाब से दो मिस हुए हैं कैच वहाँ अगर आप उसकी पुरानी परफॉर्मेंस देखें उसने हमारे साथ बहुत अच्छा भी पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है तो प्लीज़ यार शादाब को कुछ ना कहे कुछ नहीं होता कभी कभी हो जाता मैच है सारे इंसान हैं स्पोर्ट्समैन हैं तो कोई बात नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद गुंगा रिपोर्टर जी आप बड़े फेमस हैं माशाल्लाह आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई आपने बारे में थोड़ा बताएंगे बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू क्या हुआ नहीं ना पूछे मुझे ना मैं जा रहा हूँ पीछे आ जाओ पीछे नहीं क्या हुआ क्या आपको नहीं बात छोड़ ना पीछे आ जाओ हमारा दिल बिफड़े सब कुछ रो रहा है पीछे आ जाओ नहीं मैं जा रहा हूँ किसकी वजह से हमारा ये कह रहे हैं हमारा बिफड़ा दिल रो रहा है आपका नाम क्या अक्सर नवाज अपना थोड़ा सा प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आर्चरी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आज पाकिस्तान आ गया तो क्या जज्बात है आपके बुरा लगता है अपना मूल क्या लेकिन अच्छा खेले दूसरी टीम भी खेलने वाली थी हार जीत तो है लेकिन थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि मेन वजह क्या थी पाकिस्तान के हारने की दो जो कैचेज जो ड्रॉप हुए हैं ये हमारी नाकस बैटिंग जो मुझे मेन चीज़ नज़र आई ना हमारी फील्डिंग आप अगर पूरा मैच देखो उनका एक भी कैच ड्रॉप नहीं था मिस फील्ड नहीं थी आज अगर हम हारे हैं शायद मिस फील्ड की वजह से लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच आ रहा है क्या जज्बात है आपके बहुत बुरे जज्बात है पहले तो कैप्टन को कहते हैं अपनी गेम खेलना चाहिए था जब उसने ही नहीं खेला तो आगे और उन्होंने क्या खेलना था आपने वो देखा दो कैच भी ड्रॉप किए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप वो अच्छे थे इतने बुरे भी नहीं थे लेकिन दोबारा करना चाहिए था उनको ऐसा लेकिन तो आपके ख्याल से मैच हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है आसिफ अली और बाबर आजम पाकिस्तान बुरी तरह मैच हार गया है क्या जज्बात है आपके कोई नहीं अच्छा खेला है ये गेम का हिस्सा है हार जीत अभी उम्मीद है हमें जीत जाएंगे
आपको नहीं लगता कि दो कैचेज जो ड्रॉप हुए हैं उनके वजह से मैच हार गए हम? हाँ जी लग रहा है। ओवरऑल आपके क्या जज्बात हैं मैच के वाले से? नहीं अच्छा खेला है टीम, एंड तक जो है फाइनल तक आई है टीम ने, अच्छा रिस्पांस किया है। यानी आपका कहना है कि जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? हाँ जी हमें तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा पाकिस्तान आज मैच हार गया, क्या जज्बात है आपके? बस यही है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, लेकिन अगर जीत जाते तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन आज उन्होंने इतनी अच्छी हमें खेल का मुजाहिरा नहीं किया। बैटिंग भी उनकी बहुत डाउन थी, स्टार्ट में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें शो करवाया कि जैसे ये बहुत ज़्यादा रन करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के डाउन बैटिंग की है। और फील्डिंग भी इन्होंने लास्ट ओवर्स में श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर रन्स बनाने के लिए इन्होंने बॉलिंग करवाई है। आपको क्या लगता है जो दो कैच ड्रॉप किए इन्होंने वो बड़े अहम पॉइंट थे? जी जी यही अहम पॉइंट थे कि लास्ट ओवर्स जो इन्होंने श्रीलंका को करवाया है उसमें इन्होंने कैच छोड़े हैं जो दो दफ़ा, और इसके अलावा उनको सिक्स काफ़ी ज़्यादा बनाने दिए हैं, सिक्सर उन्होंने बहुत बनाए हैं लास्ट ओवर्स में श्रीलंका ने। हाँ जी क्या नाम आपका? अयान जफर। अयान भाई पाकिस्तान हारने की दुख में कल छुट्टी तो नहीं करेंगे स्कूल से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। कैसा लगा आपको, दुख हो रहा है? हो रहा है। आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं मुझे? दुख हो रहा है अभी भी। भाई आपका नाम क्या है? खालिद जमान। खालिद भाई ये बताएं कि पाकिस्तान मैच आ रही है, क्या जज्बात हैं आपके? जी जज्बात नहीं है कोई नहीं, हार्ड लक है, अच्छा खेला पाकिस्तान क्योंकि दो तीन मिस्टेक इसकी वजह से मैच हार गया, लेकिन इंशाल्लाह कम बैक अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ा वजह हारने से थी कि बैटिंग लूज थी, क्योंकि बैटिंग हमारा लूज थी इस वजह से हार गई। क्या लगता है कि दो कैच ड्रॉप हुए उसकी वजह से मैच आ रहे हैं या बैटिंग की वजह से? जी उसकी वजह से, क्योंकि शादाब अच्छा फील्डर है उसकी वजह से उसने दो कैच ड्रॉप किया, वो बहुत आला कैच था क्योंकि उसने 75 बनाया फिर से, तो वो हमारे लिए बुरा हो गया है। भाई पाकिस्तान हार गया, क्या जज्बात है आपके? पाकिस्तान कहाँ हारा है, पाकिस्तान तो जीत गया है, हर बॉल पे छक्का लग रहा है, देख नहीं रहे आप? वो झलकियाँ वो हाईलाइट्स हैं, वो पुराना मैच था। हाईलाइट नहीं है भाईजान, 6 गेंदों पे 12 छक्के लगा दिए उन्होंने। वो तो अफगानिस्तान के मैच में लगाए थे। नहीं नहीं भाई जान वो देखो वो सामने वो लग रहे। वालेकुम सलाम। भाई पाकिस्तान मैच हार गया, क्या जज्बात है आपके? बस हारा तो नहीं है अभी, उम्मीदें हैं थोड़ी सी, अभी हमारा नसीम शाह अभी बाकी है, ठीक है बस बाहर हाल अभी देख रहे हैं। विकेटें कितनी गिरती जा रही हैं, आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं मुझे? नहीं विकेटें तो अब जाहिर ही बात है किसका नाम है रिजवान आउट हो गया, उसके पास ही उम्मीदें थी जो थी, बस अब वो आउट होता गया तो साथ दूसरा हाने भी आउट होता गया। वालेकुम सलाम। भाई पाकिस्तान मैच हार गया, अब हंस रहे हैं? नहीं हारने वाला है अभी तो, हारा नहीं है लेकिन बड़ा मुश्किल है जीतना, हंस इसलिए रहा हूँ कि कोई नहीं, मेहनत की थी उन्होंने, अच्छा खेला, बैटिंग हमारी वाकई लो थी, पहले देख लिया था श्रीलंका से हारे में, लेकिन वेल प्लेड, श्रीलंका ने इंडिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हरा रहा है। भाई क्या हाल है? बुरा ही हाल है। कि सिर बनने की होया था? सिर बना था ना साडा। क्यों? वो कहंदे ने कि तुसीं सिर बन लो, सिर पीड़ लाती है सी तुहानू, ते हुण गोलियां गूलियां घर जाके खाने आ नींद दियां, वैसे ध्यान ही नहीं, ते बाकी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਮ ਜੀਤੋ ਜਾਂ ਹਾਰੋ ਹਮੇ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਮਿਰ ਗੁਫਾਰ। ਆਮਿਰ ਗੁਫਾਰ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹਮ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹਮ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖਨੇ, ਆਕੇ ਦੇਖਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿਸਕੀ ਗਲਤੀ ਥੀ, ਕਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਗਲਤੀ ਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸਕੀ ਗਲਤੀ? ਸਾਨੇ ਨੇ ਦੋ ਕੈਚ ਛੋੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਫ ਨੇ ਆਕੇ ਆਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਪੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। हम इतनी उम्मीदों के साथ इतनी दूर से ही आए हैं, आगे देख लेने क्या किया। सलामकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम क्या है? अवैस खान। अवैस भाई पाकिस्तान हार गया है, इसकी क्या जिम्मेदारी, किस पे जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी हमारे कैप्टन पे बनती है, जो अच्छा पूरे एशिया कप में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको लिहाजा अपनी बैटिंग दुरुस्त करनी चाहिए, और पाकिस्तानी टीम में तीसरे चौथे नंबर के बाद अच्छी बैटिंग नहीं है, लिहाजा इस बैटिंग को भी अच्छा होना चाहिए, और क्या कहते हैं शाहीन अफरीदी को जल्द से जल्द रिकवर करके पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। हमजा। हमजा भाई पाकिस्तान मैच हार गया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि इतने करीब आके पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर आके इस तरह हारना बनता नहीं है। अभी ये सोचा नहीं था, आसिफ अली 0 पे आउट हो गए हैं, इफ्तिखार ने भी कुछ नहीं किया है,
उसके बाद वो रिजवान था, रिजवान ने भी इतना कुछ खास नहीं किया, स्कोर किया लेकिन बहुत लेट किया, बहुत बॉल ज़ाया किए। मैच आ रही है, क्या जज्बात है आपके? यार ये तो इन्होंने आज बहुत ही कोई ख़राब किस्म की क्रिकेट खेली है। बाबर आजम को देखे सीधा हाथों में कैच दे रहा है, उसको देखें आसिफ अली को पहली बॉल पर आते ही मार के आउट हो गया। देखो तो सही क्या बॉल जा किधर रही है, बॉल दरमियान में है, देख के खेल लो, एक दो दी बॉल खेलोगे फिर सिक्स भी लग जाएगा। खेला ही नहीं जा रहा, खेला ही नहीं जा रहा, ऐसे आउट हुए जैसे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश भाई इतनी प्यारे प्यारी आंखों से आपने पाकिस्तान को हारते हुए देखा है, क्या जज्बात है? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ यार, बहुत तमन्ना लेके इधर आया था, बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया मेरा, और क्या बोल सकता हूँ मैं। क्या क्या लगता है आपको, क्या मैच क्यों हार रहे हैं हम? मैच इसलिए हार रहे ना, असल में शुगर ज़्यादा हो गया था लास्ट ओवर में, दो कैच ड्रॉप किया शादाब ने, इसकी वजह से मैं हार गया। मोहम्मद अहमद खान। अहमद भाई पाकिस्तान मैच हार गया, क्या जज्बात है आपके? कोई नहीं यार, ये जीते या हारे हमें इनसे प्यार है, ये इंशाल्लाह हम अभी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कारकर्दगी करके दिखाएंगे कि दुनिया याद करेगी।